नमस्कार बच्चों, आप मेरे साथ गणित पढ़ रहे हैं और मेरा गणित पढ़ाने का केवल एक उद्देश्य है, खेल खेल में, मजे मजे में, गतिविधियों के माध्यम से गणित को रोमांचक तरीके से पढ़ना और पढ़ाना। गणित कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने कविता के माध्यम से गिनती सीखी थी, एक 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 नाक हमारी एक, अंकों को लिखना सीख चुके हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ नया करते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया हो गए। अब कितने तोते बच्चों, गिनो, एक और एक दो। आज हम मिलाने के बारे में सीखेंगे। मिलाना यानी कि हमने मिला दिया, यानी कि जोड़ना। क्या जोड़ना? वस्तुओं को जोड़ना, इसको इंग्लिश में ऐड कहते हैं, ऐड करना। इसका निशान क्या है बच्चों? इसका एक निशान ये चिन्ह है इसका गणित में, क्योंकि गणित में हम चिन्ह सीखते हैं, तो ये जोड़ का नया चिन्ह आपके लिए। जैसे आप देख रहे हैं, एक हरा, मेरे साथ गाइए ना, एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया हो गए। अब कितने? दो। एक और एक दो। अब देखो, दो हरे तोते बजा रहे थे बीन, दो हरे तोते बजा रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए। अब कितने हुए? दो हरे तोते बजा रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए। अब एक दो तीन हो गए। अब तीन यानी कि दो में एक मिला दिया, हो गए तीन। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से वस्तुओं को मिलाने को हमें जोड़ कहते हैं। खेल खेल में करेंगे। तीन हरे तोते उड़ने को तैयार, तीन हरे तोते उड़ने को तैयार। देखो उड़ने को तैयार है। एक और आ गया हो गए अब चार, तीन हरे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया हो गए अब चार। एक दो तीन चार, यानी कि तीन में मिला दिया एक, हो गए अब चार। इसी प्रकार से हम मिलाते जाएंगे और गिनते जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? चार हरे तोते दिखा रहे थे नाच, चार हरे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया हो गए अब कितने? एक दो तीन चार पांच, यानी कि चार में मिला दिया एक, कितने हो गए बच्चों? पांच। इस प्रकार से कविता के माध्यम से खेल खेल में आपने करना है। एक बार कविता को दोबारा करते हैं। कैसे करेंगे? आपकी आपकी बुक में कविता है पेज नंबर 53 पर। एक बार कविता मेरे साथ करेंगे। एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया हो गए दो, दो हरे तोते बजा रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए अब तीन, तीन हरे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया हो गए अब चार, चार हरे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया हो गए अब पांच। ये कविता आपने याद करनी है। बड़ी रोमांटिक, बड़ी अच्छी कविता है प्यारे बच्चों। अगर इस प्रकार से आप गणित को करेंगे तो गणित आपको बहुत नहीं लगेगा, बिल्कुल मजे में करेंगे। देखो ध्यान से देखो, आज मैंने आपको जोड़ना सिखाया, यानी कि एक में एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? दो हो गए। दो में एक और मिला दिया, दो में एक मिला दिया। कैसे करेंगे हम दो में कैसे मिलाएंगे? ये देखो, एक एक और एक, ये दो है ना, एक दो है ना, दो में एक मिला दो, ये तीन हो गए हमारे, एक दो तीन। इसको दूसरे तरीके से एक दो दो और एक और मिला दिया। अब इनको गिन के सकते हैं, एक दो तीन, या इनको हम उंगलियों के माध्यम से कर सकते हैं, एक दो और एक और मिला दिया, तीन हो गई। इस प्रकार से आप जोड़ का खेल खेले। अब दो में दो मिलाए कितने होंगे? दो में मिला दिया दो, यानी कि दो आपके पास पहले ही थे, ये देखो दो तत्व थे पहले ही, इसमें दो और मिला दिए तो कितने हो गए? एक दो तीन चार, यानी कि दो में मिलाया दो बराबर आ गया चार। इसको हम जोड़ कहते हैं, वस्तुओं को वस्तुओं में मिलाना जोड़ कहते हैं। हम एक गतिविधि के माध्यम से भी जोड़ करना सीखेंगे। तो अब गतिविधि के माध्यम से हम वस्तुओं को जोड़ना सीखते हैं। देखो ये कितनी टॉफी है, टॉफी के माध्यम से मिलाएंगे, टॉफी में टॉफी। ये कितनी टॉफी है? देखो ध्यान से देखना, दो, और इधर कितनी है ये? एक दो तीन, यानी कि दो टॉफियां जोड़ेंगे इसमें, तीन टॉफियां, तो कितनी आएंगी देखते हैं, करके देखते हैं। दो है ना ये, दो ये, और ये कितनी है? एक दो और तीन, दोनों को मिला दिया। अब इनको गिन लो, एक दो तीन चार पाँच, तो कितनी आ गई बच्चों? ये पाँच आ गई।
इस प्रकार से हम वस्तुओं को मिलाकर हम जोड़ करना सीखते हैं। अब और सवाल करते हैं, चलो चार में हम तीन मिलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसके लिए भी हम टॉफियों का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक चार टॉफी है ना, एक दो तीन और चार, ये कितनी टॉफी है, एक दो तीन चार, चार ये हैं, और नीचे कितनी है इधर, तीन, एक दो और तीन, ठीक है ना। चार में हमने तीन टॉफियाँ मिलानी है, तो कैसे मिलाएंगे इनको, दोनों को इकट्ठा करके मिला दिया। देखो मिला, जोड़ना का मतलब होता है मिलाना। अब इनको हम मिलाकर गिनकर उत्तर लिख देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितना आ गया बच्चों, सात, सात लिख देंगे। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम, ये चार है ना, इसके चार मार्क्स लगा लो, वन टू थ्री फोर, चार लगा लिए। ये कितना हमारे पास, तीन, इसके तीन लगाओ, एक दो तीन। अब दोनों को हम मिलाकर गिन देते हैं, यहां से लगते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये सात लिख दिया हमने। इसी